अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मेरा नाम अनीता पांडे है, शिव नगर के रहने वाले हैं हम। जाति मकान है, किरायेदार नहीं होते हम, पूरे जाति मकान वाले हैं शिव नगर में। अब इधर बार है, इधर हनुमान जी की मंदिर है, इधर कंपाउंड डालते बोल रहे, फिर इधर एक छोटी मंदिर है। हम लोग जाने आने को हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, ब्रिज गिर है तो भी प्रॉब्लम है, फिर अभी एक बार के सामने से जाने आना बोलते हो 6 बजे तो भी हमारे को जाना बोलते हो मुश्किल है। पूरे जान जान बच्चियाँ फिरते रहते, बच्चे फिरते रहते, कैसा कपड़े नहीं सो कैसा भी फिरे तो भी हम लोग जाने आने को सब्जी को जाना बोले तो भी बाहर मुश्किल है। किसकी तबीयत ही खराब हुई, झट जेंट्स नहीं रहे घर में, लेडीज़ जाना है तो जब क्या प्रॉब्लम है। अभी कंपाउंड डाल के रखे तो हमारे को कितना प्रॉब्लम होगा, हम कैसा रहना। हमारा नाम अनीता है, यहाँ शिवशाह नगर में कंपाउंड डाल रहे हैं, यहाँ पे बाजू में गली में, और बच्चे कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। हाँ, यहाँ बाजू में देखे तो फिर वहीं से आए। हाँ, कैसे जाना कैसे आना, कॉलेज को बच्चे जा रहे, रेलवे स्टेशन को जाना बोलते डर रहे बच्चे, फिर ऐसे डाले तो कैसे हम। हाँ, सामने स्कूल है, मंदिर है, सोब है, हाँ कैसा जाना बोलो, प्रॉब्लम नहीं आना हमारे को। सुबह निकाला तो हमारे को डर होता, बच्चों को भी जाना बोला तो डर होता। हाँ, कुछ भी लाओ बोला तो बच्चों को कुछ लाओ बोला तो डर होता, हमारे कुछ भी हो तो टैबलेट ला लेंगे बोले तो डर होता हमारे को। कैसा है हमारे यहाँ शिवशाह नगर में कंपाउंड डालते बोल रहे, कुछ हुक्म में से डालते बोल रहे, बाजू में घरा है सोब है, कैसा डालते बोलो, डालने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम बालराज है, मैं उपगुड़े के रहने वाला, नरसिंह नगर, अंबिका नगर, और यहाँ के जो है शिवशाह नगर, ये महीने के लोग जो है आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे। कई के लिए बोले तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड खुल रहा, वो कंपाउंड जो है यहाँ नहीं खुलना, क्योंकि हम सब गरीब है इधर, हम डेली वेजेस काम करके जो जीने वाले। अब यहाँ इससे पहले ऑलरेडी एक बार है, दो वाइंस है, और मार्केट भी है यहाँ पर, और वो छोड़ के नया एक कंपाउंड बना रहे, कल्लू कंपाउंड। ये कल्लू कंपाउंड बनाने से यहाँ पर सामने जो है कम से प्लीज 15 फीट का रोड है, और ये पहले यहाँ बाज़ार को जाना बोलो तो लेडीज़ को, बच्चों को, स्कूल्स को, सब लोगों को जो है बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पर। और ये क्या, बाजू में मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उधर बाजू में स्वीटी मॉडल हाई स्कूल है, इधर बाजू ग्रामर स्कूल है एक, और यहाँ पर भी एक मंदिर है। ये मंदिर छोड़ के जो है यहाँ पर गौड़ संघ वाले पूरा मिलके जो है यहाँ हमारे गरीबों को सताने के वास्ते, गरीबों के घरों के सामने कंपाउंड डाल के जो है बच्चों को ख़राब करने के वास्ते जो ये कंपाउंड डाल रहे, इसके लिए हमारा ये हमारा ज़िद्द है। उन्होंने जो है यहाँ पर कंपाउंड नहीं लगाना, जो कंपाउंड का ऑर्डर है कैंसिल करना, कैंसिल करा लेना, और हम अगर ये कंपाउंड खुलेंगा तो हम तो इनको कंपाउंड यहाँ खोलने नहीं देंगे, जहाँ तक बोले हमारा जान गई तो परवाह नहीं, हम तो लड़ने को तैयार है। और हमेशा हमारा गरीबों को जो है ये डुबाने के वास्ते ये सब कंपाउंड आए, ये बार आ वाइन सब ये लगा रहे, उसके वास्ते हमारा रिक्वेस्ट है उन्होंने नहीं खोलना। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी मालूम होना चाहिए, ये जो है गरीबों के, दलितों को जो है कुछ क्या क्या की करने के वास्ते उन्होंने बहुत बोल रहे, लेकिन गरीबों के घरों में, दलितों के घरों में जो है ऐसा कंपाउंड खोल के ये करना अच्छा नहीं है बोल के हम बोल रहे। हैदराबाद सीपी साहब से,
हैदराबाद सीपी साहब से रिक्वेस्ट ये है, साहब को ऑलरेडी हम मेमोरेंडम दे के आए सुबह में, वो मेमोरेंडम में जो पूरा जो डिटेल्स लिखा हुआ है उन्होंने भी जो है यहाँ पर पूरे महल्ले में आके इंक्वायरी कर लेके ये जो इसका जो है हमारा मेमोरेंडम का सक्सेसफुल करना बोल के जो है वो लोग हमारे से बात नहीं करते साहब, बात करने को भी तैयार है। और एक बात क्या है, एक हमारे दोस्त को बोले गए थे उन्होंने क्या हमारा झांडा उखाड़ लेते क्या ऐसा बोला कहते, ये भी जू बड़ी बात है। बोले तो जाके लक्ष्मण गौड़ चंदू गौड़ यहीं उपगुड़े पे रहते महाकाली टेम्पल के पास प्रॉपर्टी की, ये आकुल श्रीराम बोल के है उनका दोस्त है, उन्होंने रेंट पे लेके चला रहे हैं। नहीं नहीं उनका वो नहीं साहब, वो नहीं अभी रेंट को दे रहा है उन्हें, हम लोग जाके घर पे जाके बोले उसको ये जो है तुम कंपाउंड यहाँ नहीं खोलना बोले तो अरे भाई मेरे पहले नहीं मालूम था आप सब लोग आ गए मैं नहीं दे तुम करके बोले, फिर दूसरे दिन जो है रेंटल अग्रीमेंट भी हो गया कहते।